बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो वापस से स्वागत करता हूँ आपका एक नई व्लॉग में। तो जैसा कि देख रहे हैं लोकेशन पीछे का कितना शानदार लग रहा है, हम लोग पहुँचे हैं आगा खान पैलेस। अरे यार मेरे को तो भी बोलने दे, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जैसा कि देख रहे अभी जस्ट एंट्री हुई है, लास्ट टाइम हम लोग का है, अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है आज। तो हाँ अभी सब दिखाएंगे ब्रो, डोंट वेरी। तो अभी चलते हैं, अभी पूरा व्लॉग पूरा आपको दिखाएंगे, काफ़ी शानदार लग रहा है इधर। अभी हम लोग का पिक खींचा जा रहा है। What? Bro, what are you talking about, man? फोटो वोटो तो आइए अभी चलते हैं, पूरा घूमेंगे, काफ़ी बढ़िया नज़ारा है शाम का वक्त। संडे भी है आज, ज़्यादा लोग आए हुए हैं। तो इधर है आगा खान प्लेस का कुछ मैं दिखाता हूँ। A few moments later. तो फाइनली गाइस अभी जस्ट स्टार्ट हुआ, मैं अभी ऊपर चढ़ा हूँ अंदर की साइड में। अंदर चलते हैं तो कैमरा थोड़ा सही नहीं है, तो अभी ममदू के कमरे से बनाएंगे आतिफ के। तो उधर का पूरा इधर से पूरा ग्राउंड टाइप का जो है, अभी चलते हैं पूरा मैं आपको दिखाऊंगा बढ़िया से। तो जैसा कि अभी उधर चलते हैं, उस साइड से मेन गेट है थोड़ा अंदर का, गांधी जी भी हैं और थोड़ा स्टैचू टाइप का बनाया, म्यूजियम टाइप का, चलते हैं अंदर। तो गाइस जैसा कि देख रहे हैं गांधी जी इधर बैठे हुए हैं, थोड़ा शांतिपूर्वक वीडियो बनाया है मैंने इधर से, क्योंकि इधर बोलना अलाउ नहीं था। तो आइए, काफ़ी गांधी जी से रिलेटेड पुरानी चीज़ें रखी हुई है। तो हम लोग अंदर चलते हैं, धीरे धीरे मैं आपको सब दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर आके। तो स्टैचू इधर देख सकते हैं गांधी जी का है, सब कुछ लगाया हिस्ट्री के लिए रिलेटेड, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझको इधर आके साथियों के साथ। देख रहे हैं इधर स्टैचू ये भी बना हुआ है, तो धीरे धीरे मैं आपको सब दिखाऊंगा। तो इधर उससे रिलेटेड पूरा जो है पढ़ना हो तो पढ़ लें, इधर सब लगा हुआ है, आप हिंदी इंग्लिश मराठी, इधर महादेव देसाई। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट गैलरी में, गैलरी के हिसाब से नंबर डाला हुआ है, हम लोग 6 में थे। तो अब देखते हैं, ओह माय गॉड व्हाट अ व्यू गाइस, यू कैन सी। चलिए मैं आपको अंदर दिखाता हूं, विजिट करते हैं। गैलरी नंबर 3 देख रहे हैं, इधर हम लोग अंदर चलते हैं। इधर देखिए काफ़ी बढ़िया लोगों का स्टैचू है। देख रहे हैं जैसा कि आप, तो इधर तक सकते हैं पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं इधर, जैसा कि देख रहे हैं रेडियो टाइप कुछ है। देखिए यहाँ पुराने ज़माने का रेडियो ऐसा है, तो इधर उससे रिलेटेड कुछ वीडियो चल रही हैं। इधर अंदर जो है गांधी जी बैठे हुए हैं, उनके यहाँ आराम करने का है। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है इधर, हम रियल में लग रहे हैं कि गांधी जी बैठे हुए हैं, देख के काफ़ी अच्छा लगा इनको। और इधर तो बंद है, लॉक किया गया है, पुरानी चीज़ें अंदर रखी हुई हैं जहाँ गांधी जी आराम करते थे। माला वगैरह रखी हुई हैं पैक करे, वो देख रहे हैं उतना बड़ा पिक लगा हुआ है उसी कमरे का है। और इधर धागे वगे बनते थे इधर, वो मशीन ये भी उनके यूज़ करने का सामान, पहले का चम्मच गिलास वगैरह सब है, सब अभी तक रखा हुआ है हिफाजत से। म्यूज़ियम कह लीजिए कि एक तरफ से है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ज़्यादा लोग आए हैं। तो गाइस उसमें से बाहर हम लोग आ गए हैं, इधर का व्यू भी थोड़ा लेते हैं जी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं हम आगे आपको दिखाएंगे, काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर से आके, हम पूरा हम आपको एक्सप्लोर करेंगे। कैसा लग रहा है ममदू भाई, ये चप्पल वगैरह जो दिख रहा है बहुत पुराना चप्पल लग रहा है,
धागे वगैरह जो धागे हम लोग के चलते हैं इस वक्त, जहाँ से मऊ में हमारा जो लोकल वर्क है उधर साड़ियों का काम देख रहे, काफ़ी हिफाजत से सामान को रखा गया है। चलते हैं अब आगे की तरफ, हम लोग पढ़ रहे हैं आगे, ये कैसा उधर है नज़ारा, गैलरी के पास पहुँचे निकलते हैं इसमें, आइए चलते हैं। इधर भी गांधी जी हैं, तो इसके अंदर जाने का चार्ज आपको लगता है 20 रुपये चार्ज लगता है। जैसे लोग होते हैं फॉरेन लोग हैं तो उनका अलग चार्ज, इंडियन के लिए अलग चार्ज, तो ऐसा चाइल्ड हो टीनेजर अगर ना हो तो उनके लिए भी अलग चार्ज। तो हम लोग आए थे 20 रुपये पर पर्सन लगा था, एंट्री हो गई थी हम लोग की, बहुत इजीली टिकट मिल जाता है, ज़्यादा नहीं स्कैन करके आपको पेमेंट करना रहता है, डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट होता है। तो गाइस काफ़ी तगड़ा लग रहा है घूमने के, घूम रहे हैं इसमें गैलरी, पुराने ज़माने का गांधी जी के वक्त का सामान है बहुत कुछ, तो अच्छा लग रहा है। काफ़ी लोग आए संडे घूमने के लिए तो काफ़ी मस्त है। तो आइए चलते हैं इधर, जाहिद भाई और ममदू भाई भी इधर। अच्छा तो अभी चलते हैं, और भी अभी सब तो बचा हुआ है, अभी जस्ट एंट्री हम लोग की हुई है, चलते हैं आगे का पूरा शूट करते हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है आगे इधर। चलते हैं, मैं आपको अंदर का बढ़िया बढ़िया एंटीक पीस दिखाता हूँ। देखो तो सही आ रहा है, अब सही इतने पे पूरा कट नहीं रहा है, तो चलो गाइस फ्रंट कैमरे से जो है बढ़िया नहीं आता है, सब बैक कैमरे का बात ही अलग है। तो चलते हैं पूरा आगे का आपको भी दिखाएंगे अंदर का एंटी। चलो चलो चलो, अरे नहीं मिलेगा ना, नहीं आऊँगा ले लेंगे तो मेरा व्लॉग का क्या होगा भाई, तुम्हारा व्लॉग बनेगा। तो गाइस हम लोग समाधि की तरफ निकल रहे हैं, चलते हैं। In Texas, all the way to New Orleans, where the girls cook catfish. And in LA, every chick's an actress. Hollywood status with the shaded glasses. To Detroit, yeah, the place that I rest, where the ladies got asses and lil' lot sex. And hot Atlanta, y'all, is one of the best, where they speak Southern slang and smoke Lysess. And New York women are way too fresh, too much on your mind, let me ease that stress. I wish you all were mine, it's so selfish. Maybe I'm feeling myself too much, I guess. Right? To my ladies all across the globe, in small towns that I don't even know, no. To all local international gold, whether you see me in streets or catch me at shows, I'm calling. Maybe I'm selfish, I want you to myself, I can't help it. वेरी वेरी हरियाली, दिस इज समाधि। तो गाइस अंदर से हम लोग निकल रहे हैं, समाधि तक हो चुके हैं, चलते हैं इधर से दूसरी लोकेशन चेंज करते हैं उधर का मैं। तो गाइस फाइनली वीडियो अब यहीं पे एंड करना पड़ेगा, टाइम ओवर हो गया है, शाम का टाइम है, अब बंद हो रहा है, तो सबका सीटी बज रही है, आप सुन रहे होंगे, सबको गेट की तरफ भेजा जा रहा है, हम लोग भी बस अब निकल रहे हैं। जस्ट थोड़ा ही व्लॉग बना है, बट इतना ही अपलोड कर दूंगा, ज़्यादा ड्यूरेशन लंबा भी नहीं होगा। चलते हैं, अच्छा लगा घूम के फाइनली, अब संडे तो कहीं निकल जाएंगे घूमने, तो अच्छा लगता है। चलिए बस अब इतना ही एंड करते हैं वीडियो को।